किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बात करते हैं इंदौर मंडी के भाव के बारे में। किसान साथियों, नीलामी की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 19 मार्च 2021 का जो भाव है कितनी तेज़ी मंदी के साथ देखने को मिला है इंदौर मंडी में आज, क्योंकि आज दिनांक 19 मार्च 2021 हो चुकी है। तो 19 मार्च को कितना उठापटक इंदौर मंडी में देखने को मिला है, भाव को लेकर कितनी तेज़ी कितनी नरमी के साथ खुला हुआ है। तो चलिए किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ बताऊँगा। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो चलिए किसान साथियों, बात करते हैं सबसे पहले आवक के बारे में। आवक किसान साथियों, 40 से 44 कट्टे की जो आवक है वो किसान साथियों देखने को मिला है इंदौर मंडी में। वहीं पर किसान साथियों, अगर आज सुपर क्वालिटी के भाव की बात करें किसान साथियों, तो जो सुपर क्वालिटी का भाव है वो किसान साथियों 1200 रुपये से लेकर 1300, 1400, 1500 रुपये, अधिकतम 1500 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। वहीं पर अगर लड्डू प्याज की बात करें किसान साथियों, तो 900 रुपये से लेकर 1000, 1100 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। और जो गोल्टा प्याज होता है उसकी बात करें किसान भाइयों, तो 600 रुपये से लेकर 800, 900 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। अगर छोटे प्याज की बात करें तो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। किसान साथियों, अगर ऑल ओवर मंडी की स्थिति की बात करें तो 1000, 1100, 1200, 1300 अधिकतम जो माल बिका हुआ है वो इतने रेंज में बिका हुआ है किसान साथियों। इसका कारण ये है, बहुत बम्पर आवक आ रही है इस समय इंदौर मंडी में किसान साथियों।